हेलो फ्रेंड्स, आजकल संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है जो कि ये 1 जुलाई से शुरू हुआ था और 31 जुलाई तक लगातार चलेगा। इसमें संचारी रोगों के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाता है। और अभी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही एक रैली निकाली थी जिसमें लोगों को हमने जागरूक किया था कि संचारी रोगों से कैसे बचा जा सकता है, मच्छरों से हमें कैसे बचना है और संक्रामक रोगों को किस तरह से कम किया जा सकता है, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। यदि आपको घर पे बुखार आ जाता है तो बुखार का घरेलू क्या उपचार आपको करना है, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जागरूक रैली के बारे में बताता हूँ जो कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था और उसमें लोगों को संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए, वीडियो को पहले आप ये देख लीजिएगा। आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। यह संचारी रोगों पर सीधा प्रहार है। बुखार में देरी पड़ेगी भारी। संक्रामक रोगों से बचाव के क्या तरीके हैं और मच्छरों से कैसे बचना है। मच्छरों से बचने के लिए खिड़की दरवाज़ों पर जाली लगानी है, पूरी बाजू और फुल आस्तीन के कपड़े पहनने हैं जिससे सारा शरीर ढका रहे। अनुपयोगी वस्तुओं पानी ना इकट्ठा होने दें। कूलर का पानी बार बार बदलते रहें। जल जहाँ भी भरता वहाँ पर मिट्टी डालें और बुखार आने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना इलाज कराएं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो क्लिप जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई है ये आपको अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है। तो चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं मच्छरों से बचाव कैसे करना है। तो मच्छरों से बचाव के लिए जो घर के दरवाजे और खिड़की हैं उन पर हमको जाली लगवा देनी चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग हमें नियमित रूप से करना चाहिए। और जो मच्छर रोधी तरीके हैं जैसे कॉइल का प्रयोग है या फिर आप कोई धुआं इत्यादि करते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। और अनुपयोगी वस्तु हैं जैसे कि टायर है, बर्तन टूटे हुए हैं जो छत पर पड़े रहते हैं, उनमें अनावश्यक रूप से पानी का बिल्कुल भी जमाव नहीं होना चाहिए। और घर के जो बाहर गड्ढे वगैरह जो होते हैं उसमें अगर यदि पानी भरा हुआ है तो उन्हें हमें मिट्टी डालकर उनको भर देना चाहिए। और जो पानी की टंकी हमारे छत के ऊपर जो रखी रहती है उस पर ढक्कन अच्छे से लगा रहना चाहिए। पार्क में या घर के आसपास फालतू का पानी का भराव नहीं होना चाहिए। कूलर में जो पानी है उसे हर दूसरे तीसरे दिन उसको बदल देना चाहिए। और जहाँ भी इस तरह का कोई गड्ढा इत्यादि या पानी का भराव हो उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पानी का भराव ना हो। और ये थे मच्छरों से बचने के उपाय। और बाकी संक्रामक अन्य जो रोग हैं उनसे हमें कैसे बचाव करना है, जैसे कि आपको नालियों को जो घर के आसपास कर जो गांव में जो इत्यादि नालियां होती हैं, नालियों में जो हमेशा साफ रहनी चाहिए उसमें पानी का भराव बिल्कुल ना होने दें। और जंगली झाड़ियां जो गांव के आसपास होती हैं, घरों के आसपास जो होती हैं, जंगली झाड़ियों की कटाई समय से होती रहनी चाहिए। जानवरों को घर से दूर रखना चाहिए। घर के अंदर जो चूहे हैं, छछूंदर हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। गाँव में पानी पीने के लिए सरकारी नल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और खाने खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धुल लेना चाहिए। खुलों में शौच हमको नहीं जाना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और कुपोषित बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब तरीके हैं जिनसे हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। और बुखार इत्यादि होने पर हमें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाना चाहिए। और जब बुखार हमारा तेज होता है तो सिर को, हाथ पांव को और पेट को सामान्य पानी से पोंछना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी है, नींबू पानी है, शिकंजी है, फलों का ताज़ा जूस है, तो ये सब हम प्रयोग में लेने चाहिए। जिसको बुखार तेज आ रहा है उसको सूती कपड़े पहनने चाहिए और हवादार कमरे में लेटना चाहिए और बिना चिकित्सक के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। ये सब जानकारी है जो कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंदर आम जनता को दी जाती है। और आज से दस्तक प्रोग्राम भी शुरू हो गया है।
दस्तक प्रोग्राम में क्या है कि हमारी जो आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, ANM है और जो हेल्थ वर्कर हैं वो घर घर जाकर लोगों को इन सभी बीमारियों के बारे में और इनसे बचाव के बारे में घर घर जाके बताएंगी। और जो वहाँ पर उनको कोई TB का मरीज या फिर बुखार खांसी का मरीज मिलता है तो उसको हायर सेंटर के लिए या सरकारी अस्पताल के लिए उसको रेफर करेंगे जहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इस तरह से संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये जुलाई में चल रहा है और प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी टीम आपके पास जाए और उसको आप पूरा कोऑपरेट करें, जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं आप उनका जवाब भी उनको दें और जो साफ सफाई के तरीके मैंने बताए हैं या हमारी टीम बताएगी आप भी उनका पालन करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।